मैं करूं क्या तेरा? तू कर ले। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे और आज बहुत ही खुशी का दिन है बिकॉज़ सुष्मित पहली बार मेरे साथ यूएस जा रहा है एंड इसी खुशी में हमने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा सा कैफ़े दिख रहा था तो इसमें खाते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था यहाँ पे खाने का बिकॉज एकदम रीज़नेबल प्राइस में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई थी। मतलब हमने एक प्लेट डोसा ऑर्डर किया था, उसका नाम था बेन्ने डोसा एंड हमें उसमें दो डोसे मिले थे विद 3 टाइप की चटनी और आलू का मसाला अलग से एंड सांभर अलग से, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। ये था यहाँ का एनकाम लाउंज और इसमें इतनी क्रेजी भीड़ थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था लोगों को फ्री में एंट्री मिल रही है अंदर। और फिर मैं यहाँ पे वॉशरूम आई थी अपना आउटफिट चेक करने कि कैसा लग रहा है एंड उसके बाद फिर था बोर्डिंग का टाइम, तो ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अपनी फ्लाइट फॉर बोर्डिंग। हम जा रहे थे पहली बार इतिहाद एयरवेज से, सो अभी ये फ्लाइट है अबू धाबी तक जहाँ पे हमारा ले ओवर होगा। यू वॉन्ट टू वॉक, देन प्लीज टेक माई वॉक। स्टाइल होता है यार, कुछ नहीं आता तुमको, कुछ भी कर तो स्टाइल बोल दो तो सर। तो ये सही चीज है, देख नीचे लोग अंग्रेज कहीं पे भी बैठा था नीचे। देख लिया तुमने? हाँ हाँ, रॉक गार्डन का छोटा सा इंस्पिरेशन है आपको पीछे से दिखाना, दिख नहीं रहा है, वीडियो है। कहाँ है अपनी फ्लाइट? ये वाली ई वो 310 पे है, ये वाली। हाँ, गो टू गेट। फ्लाइट में सबसे पहले मील हमें जो मिली थी वो था योगर्ट पाफे और बन एंड फिर मैंने इंडियन वेजिटेरियन मील ऑर्डर की थी तो उसमें साउथ इंडियन वड़ा सांभर फ्रूट्स ये सब था। सुबह हमें मिला था ब्रेकफास्ट जिसमें वेजिटेरियन में आलू टिक्की चाट और सैलड और बन था। खाना बहुत अच्छा था मैं कहूँगी इस एयरलाइन का एंड फिर हम लैंड हुए थे बॉस्टन में, तो अबू धाबी से हम आए हैं सीधा बॉस्टन एंड सुष्मित पहली बार बॉस्टन आया है तो मैं उसको अपना डॉर्म में ले गई थी एंड उसको अपना इंस्टीट्यूट दिखा रही थी जहाँ पे मेरी लैब है। तो हम ये एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे एंड हमने काफ़ी सारे MIT में फ़ोटोज़ ली। वो यहाँ पे काफ़ी सारे दिनों के लिए आया था, ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए एंड यहाँ पे कैम्ब्रिज साइंस फेस्टिवल चल रहा था उस टाइम पे। こうやってね、こう液体窒素というすごい冷たいお水で蒸しないけど、
आ गया। देखते ही देखते आ गया था टाइम न्यूयॉर्क जाने का। तो बॉस्टन से न्यूयॉर्क जाते हैं हम यूजुअली या तो बस से या एमट्रैक से, तो ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का डिस्टेंस है जितना चंडीगढ़ से दिल्ली का है। तो ये काफ़ी सुंदर रास्ता है ट्रेन से, क्योंकि ईस्ट कोस्ट से होते हुए जाती है ट्रेन, तो काफ़ी सारे सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ से हम जा रहे थे फिर न्यूयॉर्क। घंटी सुनी तूने? घंटी थी ना। आइए हम आपको ले जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में। यार ये सब वीडियो अभी मत डालो। नहीं डाल रही। ये हमारा ड्राइंग रूम है। एंड सीधा हो रहा है ना कैमरा। एंड यहाँ से दिख रही है कौन सी रिवर है? ईस्ट रिवर। ईस्ट रिवर। तूने ऑन किया उसको? नहीं। और ये क्या वेस्ट रिवर? नहीं वो ईस्ट रिवर ही है। ये आइलैंड है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये है हमारा मस्त व्यू। वो देखो वहाँ पे मैनहट्टन की पुलिस की गाड़ियों की आवाज। ओके नाउ लेट्स गो टू आवर किचन। किचन में हमें मिला है फ्रिज जो कि अच्छा खासा बड़ा है। ओके फिर यहाँ पे है माइक्रोवेव, अवन, स्टोव, सिंक, डिशवॉशर एंड काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं स्टोरेज के लिए। एंड यहाँ से भी रिवर का व्यू है। एंड फिर इधर है हमारा एक्सक्यूज मी टॉयलेट जिसमें भी काफ़ी। सो ये था टॉयलेट, इसका मिरर ओ बिट है। एंड यहाँ पे है टब। ये अपनी मम्मी को दिखाई और यूट्यूब में नहीं जाना चाहिए। मैं अभी अबे बाहर का व्यू तो दिखा रहे। ओह सॉरी, टॉयलेट से भी आप मस्त व्यू एंजॉय कर सकते हैं। फिर ये है क्लोजेट। यहाँ पे जूते चप्पल भी रखने का मन नहीं करेगा यहाँ पे। मैं तो निकाल रहा हूँ अपने जूते चप्पल। ये है बेडरूम, यहाँ पे जो भी होता है हीटिंग यूनिट यहाँ पे, बट यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट आपको खुद लैंप लगाना पड़ेगा। और ये है रिवर, ईस्ट रिवर। यहाँ से भी रिवर व्यू, पूरे घर से रिवर व्यू, रिवर व्यू। और यहाँ पे क्लोजेट एंड क्लोजेट। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ये अब हम लोग आ गए हैं रोपवे में, जो कि वन ऑफ द रूट्स है टू गो फ्रॉम आयरलैंड टू मैनहट्टन, बिकॉज आयरलैंड से मैनहट्टन तक कोई ऐसे डायरेक्ट रोड से, मतलब बाय रोड या कोई ब्रिज ऐसा है नहीं, तो या तो सबवे है या रोपवे है या फिर क्वींस से होके आना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही मस्त अट्रैक्शन है क्योंकि इससे इतना अच्छा व्यू दिखता है रोपवे से पूरा आइलैंड का एज वेल एज सिटी का। वो बिल्डिंग दिख रही है वाली, कौन सी वाली बिल्डिंग है? कौन सी? ये सामने है वाइट वाली, सारी वाइट, सारी तो वाइट है यार, ये ग्रे वाली देखना। अच्छा, हम खड़े हैं रूजवेल्ट आइलैंड पे, सामने फॉल कलर्स। YouTube वीडियो क्यों बनाती है तू? दिस इज मैनहट्टन एंड इस ब्रिज का नाम नहीं पता। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है टाटा इनोवेशन सेंटर, और यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ नाइस सनी डे, पूरा आइलैंड। तक वो कद्दू खाते हुए नहीं देखा भाई। ज़ूम करें इसको, मुझे भी नहीं पता था बत्तख को कद्दू खाओ। ढंग से खाओ, ये क्या तो क्या बदतमीजी है। सही तो है, मेरे को लग रहा है नॉर्मल दूध नहीं है, कोई और दूध है। नहीं ऐसे ही होता है। So, ये थे हमारे लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बिटवीन बॉस्टन एंड न्यूयॉर्क। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।